हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग पढ़ रहे थे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, कुछ चार पांच पॉइंट्स हम लोग ने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाला था, कोई भी पर्सन अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स का, सर्विसेज का या फिर बोथ का, तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन 23 में उसका एक्सेप्शन था कि अगर कोई पर्सन सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका 10 लाख या फिर 20 लाख का लिमिट दिया जाएगा। वैसे ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो फिर उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिसको RCM में टैक्स पे करना है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, NRTP को करना पड़ेगा एंड एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर को करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए 6 नंबर पॉइंट, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया था शायद, जिसको TDS डिडक्ट करना है उसको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। देखिए इसका एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये लोग हम लोग देखे थे पहले भी, फिर भी बता दे रही हूँ रिविजन पर्पज के लिए। ठीक है, ये है मिस्टर एक्स। ठीक है, ये कुछ कपड़े भेजता है मिस्टर वाई को। ठीक है, मिस्टर वाई इसके लिए काम करता है। ठीक है, ये एक जॉब वर्कर है। ठीक है, ये क्या करेगा, शर्ट सिल के देगा। ठीक है, दो केस हो सकता है फ्रेंड्स। अभी ये क्या करेगा, शर्ट बना के इसको रिटर्न कर देगा, या फिर मिस्टर वाई क्या करेगा, डायरेक्ट सेल कर देगा। अभी सेल का भी दो सिनेरियो हो सकता है, आइदर ही इनवॉइस अपने खुद के नाम पे काटे या फिर मिस्टर एक्स के नाम पे काटे। ठीक है, अगर ये खुद के नाम पे कर रहा है तो फिर उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, अंडर सेक्शन 24। लेकिन अगर ये मिस्टर एक्स के नाम पे करेगा ना, तब फिर इसको रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ेगा, सेक्शन 23 में। अगर उसका टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख से एक्सीड करेगा तभी लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे आ रहा है पता है, अगर वो अपने नाम पे इनवॉइस करेगा ना फ्रेंड्स, तभी उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है अंडर सेक्शन 24। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एन एजेंट और अदरवाइज। ठीक है, अगर एक एजेंट के हिसाब से या फिर जॉब वर्कर अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है खुद के नाम पे इनवॉइस करेगा, तब उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। फ्रेंड्स देखिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को बिना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, सपोज एक हेड ऑफिस है। ठीक है, हेड ऑफिस क्या करता है ना, सपोज कोई इनपुट सर्विस लिया, ठीक है, वो खुद क्या करेगा, वो अपने ब्रांचेस में बांट दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, एक सर्विस प्रोवाइडर किया, एक हेड ऑफिस है उसके तीन चार ब्रांचेस से उसको सर्विस प्रोवाइड किया। ठीक है, अभी बिल काटेगा हेड ऑफिस के नाम पे। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है एक्स लिमिटेड। ठीक है, इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, इसके तीन अलग अलग ब्रांच है। ठीक है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है। ठीक है, ये क्या किया, इनपुट सर्विस लिया। ठीक है, इनपुट सर्विस लिया, ये इनपुट सर्विस प्रोवाइडर क्या किया, इनको रेस्पेक्टिवली वो सर्विस दे दिया। ठीक है, लेकिन वो जो बिल काटा ना, वो हेड ऑफिस के नाम पे काटा। ठीक है, लेकिन अभी हेड ऑफिस का तो कुछ आउटपुट सप्लाई है नहीं, उसके ब्रांचेस कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ठीक, कंट्रोल कर रहा है। तो अभी अगर हेड ऑफिस का कोई आउटपुट लाइबिलिटी ही नहीं आएगा तो इनपुट लेके क्या करेगा। ठीक है, इनपुट तो उसका कुछ काम का ही नहीं आएगा, रह जाएगा उसका इनपुट। इस केस में ये क्या करता है, ISD का रजिस्ट्रेशन ले सकता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये सिर्फ सर्विस के लिए होता है, ISD का उसको सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दो अगर एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड हो सकते हैं GST में ऑलरेडी उसके टर्नओवर के बेसिस पे, लेकिन अगर उसको इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों के बीच, तो उसको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का सेपरेटली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड वो क्या करेगा, इनके टर्नओवर के बेसिस पे ना, ये मैं आपको सिखाऊंगी ITC चैप्टर में, इनके टर्नओवर के बेसिस में क्या करेगा, इनको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, ये लोग फिर अपने सेल के हिसाब से क्रेडिट ले लेंगे। समझ में आया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को। समझ में आया, पहला तो एजेंट या जॉब वर्कर को करना पड़ेगा, दूसरा क्या हो गया, ISD को भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, फिर है एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए फ्रेंड्स, ये ना सर्विस टैक्स में भी था,
अमेंडमेंट ला के इसको लाया गया था, इसमें चेंजेस लाया गया था एंड जीएसटी में भी इसको डाला गया। ओएडआर सर्विस क्या होता है ना, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल, ठीक है, जो सर्विसेज ऑनलाइन है और जिसमें ह्यूमन इंटरवल ना बहुत मिनिमम होते हैं, अगर नहीं होता या फिर बहुत मिनिमम, लाइक ऑनलाइन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, ऑनलाइन मूवी देखी, तो क्या ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट के जरिए ही वो सर्विस दिया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सीवी वगैरह अपलोड करते हैं वेबसाइट पे, naukri.com पे सपोज किए, उसमें से जिसको चाहिए वो क्या करेगा, डाटा एक्सेस का उसे परमिशन लेगा naukri.com से कि मेरे को एम्प्लॉयज़ का डाटा का एक्सेस का चाहिए, वो रिट्राइव भी करेगा, ठीक है। तो वो होता है प्योरली ओएडआर सर्विसेज, ठीक है। तो पहले क्या होता था, देखिए एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि प्रॉब्लम क्या था। सपोज मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, मुझे उस पर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है, एक कंप्यूटर है, सपोज़ मुझे उस पर कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अगर मैं ये सॉफ्टवेयर सर्विस क्या करती हूँ, आउटसाइड इंडिया से लेती हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, आउटसाइड इंडिया से लेती हूँ, ठीक है। अगर आउटसाइड इंडिया से लूँगी, ठीक है, आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन हियर, आई एम नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन, मैं बिज़नेस एंटिटी हूँ क्या? अगर मैं बिज़नेस एंटिटी हूँ, ठीक है, तो ठीक है, वो आरसीएम बेसिस पे लगा देगा, बिज़नेस एंटिटी दे देगा। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ, अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो क्या बहुत सारे इंडिविजुअल पर्सन हैं जो आउटसाइड इंडिया से सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल पर्सन तो 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकते हैं, तो क्या सिर्फ ये टैक्स देने के लिए सबको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दिलवाना क्या सही होगा? इतने सारे कॉम्प्लाइंसेंस हो गए, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या बोला, अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया का है और अगर वो ओएडआर सर्विस इंडिया में दे रहा है, ठीक है, किसको, इंडिविजुअल पर्सन को दे रहा है, तब उसको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ओएडआर के बारे में आईजीएसटी एक्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है, हम लोगों बाद में पढ़ेंगे, अभी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन यही चीज़ है कि उसको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ कंप्लीट हो गया कि एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन तो क्या आरसीएम बेसिस पे हम उससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिविजुअल पर्सन है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के क्या करेंगे, सामने वाले को, सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए, पर्सन हुआ रिक्वायर टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 950, तो मैंने एग्रीगेटर वाला चीज़ पढ़ा दिया था अच्छे से, एंड सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। गवर्नमेंट अगर किसी और को नोटिफाई करता है, रिकमेंड काउंसिल, काउंसिल रिकमेंड करता है, तब उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए, ये हो गया फ्रेंड्स हम लोग का सेक्शन 24 अच्छे से कम्प्लीट हो गया, किसको किसको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन 23, ठीक है। सेक्शन 23 क्या बोलता है, पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग ने क्या देखा था, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहला वाला हम लोग ने क्या देखा था, किसको रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा, पहला वाला था कि एक एक्सेप्शन हम लोग ने क्या पढ़ा था, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, ओनली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इंटर स्टेट, तो उसको 10,00,000-20,00,000 का लिमिट देंगे, ठीक है, उसको कराने का ज़रूरत नहीं, अप टू 10,00,000-20,00,000 तक। अगर CTP है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई कर रहा है, हैंडमेड गुड्स का, तो फिर उसको 10,00,000-20,00,000 तक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, तो उसको भी एग्जिबिशन दिया गया है तब तक। 23 में बोला गया, अगर कोई पर्सन स्पेसिफिकली ओनली एंड ओनली एग्जिम्प्टेड या फिर नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होगा ना। इसीलिए देखिए, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस इज नॉट लाइबल टू टैक्स और होली एग्जिम फ्रॉम टैक्स, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मधु रॉयल्स पंजाब का है, वो एक्सक्लूसिवली क्या सप्लाई कर रहा है, पेट्रोल कर रहा है, तो पेट्रोल तो नॉन टैक्सेबल गुड्स है, क्या था, HP Man, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, मोटर स्पिरिट क्या था, पेट्रोल, वो क्या नॉन टैक्सेबल है, तो फिर उसे दस मधु रॉयल इज़ नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज इट इज़ एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स ओनली एग्जिम फ्रॉम टैक्स, उस पर तो टैक्स ही नहीं लेगा, नॉन टैक्सेबल है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, एन एग्रीकल्चरिस्ट, एक एग्रीकल्चरिस्ट को फ्रेंड्स ज़रूरत नहीं होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने का, लेकिन इंडिविजुअल एंड HUF होना चाहिए। अगर HUF अपने मेंबर्स को लेके कर रहा है, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, ओन लेबर लगा के काम कर रहा है, ठीक है, लेबर ऑफ द फैमिली और ओन लेबर, ठीक है, सर्वेंट को वेज पे करके वो क्या कर रहा है, काम करवा रहा है, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
फिर बोला गया स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अभी क्या गवर्नमेंट चार पांच लोगों को नोटिफाई किया, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी देख लीजिए। देखिए पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स आर सप्लाई। अभी फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक डायरेक्टर का एग्जांपल दिया था ना आपको, डायरेक्टर कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आरसीएम लग रहा है, तो फिर वो डायरेक्टर का अगर कोई और सेल और सप्लाई नहीं है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन करवा के क्या करेगा? अगर जीएसटी लाइबिलिटी अराइज ही नहीं हो रहा है तो फिर रजिस्ट्रेशन करवा के क्या करेगा? तो अगर एक पर्सन ऐसा चीज़ सप्लाई कर रहा है जिस पे सामने वाला ही टैक्स देगा हमेशा, उसको हमेशा आरसीएम ही लग रहा है, तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख, ये बता दिया। ठीक है, पर्सन मेकिंग इंटरेस्ट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ये भी बता दिया। ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरेस्ट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट, ये भी बता दिया। ठीक है, पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख, ये भी मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो फिर अगर इन शॉर्ट देखोगे तो ये वाला चार्ट देख सकते हो, पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन कौन है, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस नॉट लाइबल टू टैक्स, एग्रीकल्चरिस्ट को करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विस बोथ होली एग्जिम्ड फ्रॉम टैक्स है, या फिर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन, इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं है, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन कराने का ही जरूरत नहीं है। ठीक है, सेक्शन 23 कंप्लीट है, 24 एंड 23, कल हम लोग सेक्शन 25 पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है।